अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद। आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। अच्छा, इससे पहले हमने बात की थी FIA के प्रोसेस के हवाले से, तो दोबारा से आपसे डिस्कस कर दूं। कुछ लोग बड़े नाराज़ हुए, कुछ लोगों ने बड़े अग्रेसिव कमेंट भी किए। देखें, वो जो पिछली पोस्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस जो है वो लेट हो सकता है, भाई वो मेरी अपनी स्टेटमेंट नहीं थी, ना ही वो मैं अपनी तरफ से बता रहा था। मैंने क्वेश्चन किसी से पूछा था, जो उन्होंने आंसर किया वो एज़ इट आप तक मैंने शेयर कर दिया। तो अभी जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ दोस्तों से, मुख्तलिफ लोगों से, आब अबाब से जो है वो पता चली है कि जी FIA में जो है कुछ अमेंडमेंट हो रही है, कुछ जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, कुछ दफ्तरों के अंदर जो है वो पोस्टिंग की वजह से जो है वो काम जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो विद इन वन मंथ जो है वो कंप्लीट करके जो है वो दोबारा से सिस्टम को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये नहीं एग्जैक्ट पता कि किस डेट को बहाल होगा, लेकिन विद इन मंथ सुनने में यही आया है, विद इन मंथ जो है ये काम दोबारा से अपने जो इसी सिलसिला को दोबारा से कंटिन्यू किया जाएगा, और जिन लोगों की सिलेक्शन हो गई है उनको जो है वो लिस्ट इशू कर दी जाएगी। सो खैर, अल्लाह पाक आसानियां करे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह से एक उम्मीदवार हूं कि मैं मतलब जो यहाँ पे हमारा जो ऐसा सेटअप नहीं है कि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करके जो है वो डिस्ट्रैक्ट करें। खैर से चलें जी, आज के मौजू की बात करते हैं। जनूबी पंजाब के उम्मीदवार कहाँ अपनी पोस्टिंग करवा सकते हैं, ये एक जो है वो सवाल था, क्योंकि मेरा अपना सवाल था, क्योंकि मैं बेसिकली जो जनूबी पंजाब से हूँ। तो जनूबी पंजाब में तीन बेसिक सेंटर्स हैं, तो सबसे पहले जो आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, उस हवाले से हम बात करते हैं। उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ कि किस जगह पर आपकी अपॉइंटमेंट हो। सबसे पहले जो है वो फैसलाबाद के अंदर जो है इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वहाँ पर ही सबमिट करवानी होती है। ये जनूबी पंजाब के लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक दोस्त जो है वो अभी ट्रेनिंग पे गया हुआ है, मेरे साथ इकट्ठे हम लोगों ने यूनिवर्सिटी जो है वो फेलो भी हैं, तो वो अभी ट्रेनिंग में गया हुआ है एज अ कॉन्स्टेबल। तो उससे मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली थी कि फैसलाबाद में पहले उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जमा करवाई, उसके बाद उनकी बहावलपुर उन्होंने अपनी पोस्टिंग करवा ली थी। वहाँ पर जब हमारी जो है वो रनिंग वगैरह हो रही थी, तो तमाम तर मामलात को वो डील कर रहे थे। अभी तक उनकी मतलब जो है वो ट्रेनिंग नहीं हुई थी, लेकिन उनकी जो पे वगैरह थी वो चालू हो गई थी। लेकिन अब जो कि उनकी काफ़ी अर्से के बाद जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, तो अभी ट्रेनिंग पे मौजूद है। तो उनसे इन्फॉर्मेशन ली थी कि सबसे पहले जो है वो जब आप फैसलाबाद में जाते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, यानी आपने तीन ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं कि इसमें आपने सबसे पहले प्रायोरिटी किस जो है वो डिवीज़न को देनी है। आप फैसलाबाद में जाना चाहते हैं, मुल्तान में जाना चाहते हैं, बहावलपुर में जाना चाहते हैं, तो जो आपकी प्रायोरिटी होगी तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया या बहावलपुर। तो उसमें मेरी जो अपनी प्रायोरिटी थी वो ये है कि मैं अल्लाह करे अगर हमारा नाम आ जाता है तो हम लोग इस बारे में सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ। फैसलाबाद में मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि असल में हमारा जो एरिया है वो पानी के लिहाज से थोड़ा सा अच्छा है। फैसलाबाद में पानी का बहुत बड़ा इशू है, ख़ासकर वो लोग जो बालों को लेके अपने बड़ा ज़्यादा होते हैं कि भाई मेरे बाल जो है वो ठीक रहें, तो भाई फैसलाबाद में ऐसी सूरत हाल होती है कि पानी की वजह से आपके बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं। खैर से टॉपिक से वो थोड़ा हट रहे हैं। मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहावलपुर कदरे बेहतर है और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बेहतर है। सो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बहावलपुर है, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी ये कि डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये होता है कि आपको कहाँ पर वो जो है उनको ज़रूरत हो, फिर वहाँ पर वो आपको जो है वो इंगेज कर लेते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप प्रायोरिटी मतलब रखना चाहें तो वो आप इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं जनूबी पंजाब के लोगों में से। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन जाए। अल्लाह।